भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों के अलावा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। बीजेपी पहले से ही आक्रामक मुद्रा में है, ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा, देखें ये वीडियो रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ा मानसून सत्र है प्रदेश में, 10 दिन का पहला ऐतिहासिक मानसून सत्र हो रहा है और विधायक दल की बैठक में जो तय किया है वो विधानसभा के अंदर प्रकट होगा, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी चर्चा होती है वो विधानसभा के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा, उसका जवाब देना उस बारे में होती है। ये तो बाकी विधायकों के थोड़े बहुत ग्रेवेंसीज होते हैं, वो सुनकर विधायक दल की बैठक ख़त्म होती है, यही परंपरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनकी भावना है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की थी, उस मुद्दे पर भी अगर वो चर्चा करना चाहती है, जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहती है, प्रदेश सरकार तैयार है। और जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, सरकार किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा लानी चाहिए। चर्चा लाने के बाद वॉकआउट नहीं करना चाहिए, और वॉकआउट करके वो ठीक है कि खबर में रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा में भी कोई तर्क वितर्क के साथ लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर वॉकआउट करके कोई तथ्य नहीं हो ना, तर्क के आधार पर वो अगर वो तथ्य लाएंगे। इसीलिए 10 दिन का मानसून सत्र रखा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सरकार उनका पूरा जवाब देगी। धन्यवाद, मेरे क्वेश्चन है।